हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राउंड ऑविन। आज के मैं इस वीडियो में कैपजिनी की तरफ से अपडेट लेकर आया हूँ। कैपजिनी ने रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला है, कैपजिनी फिर से हायरिंग कर रही है। सो एक बिग अपडेट है, बिग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि ये बिग अपडेट है, बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है कैपजिनी की तरफ से। एंड मैं आपको ये बात बता दूं कि कैपजोनी के अलावा भी मैंने जो अपडेट डाला था, सो वहाँ तो प्लीज़ वहाँ अप्लाई करें, क्योंकि माइंडट्री की जो अप्लाई डेट है वो 24 मई तक ही एक्टिव रहेगी, सुबह 9 बजे तक। सो आप लोग प्लीज़ उससे पहले अप्लाई करें अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। उसके अलावा भी सिस्को ने रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला है, सो सिस्को के लिए अप्लाई करें। हेक्सावेयर, टेक महिंद्रा एंड आईबीएम का यहाँ पर बल्क हायरिंग हो रही है। सो आईबीएम में आप लोग को जाने के लिए, आईबीएम में आप लोग जॉब करने के लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। अच्छी पैकेज है आपको वहाँ पर 4.5 लाख पर एनम मिलेगी। सो आईबीएम की बहुत सारे जॉब रोल के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट ड्राइव है। आप प्लीज़ वीडियो चेक करें, ये वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं, एंड इससे पहले ये वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, एंड उससे पहले ये वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे एएससी रोल के लिए, क्लाउड रोल के लिए, इंटर्न रोल के लिए, सो 3 रोल के लिए आईबीएम ने रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला था। सो आप लोग वो वीडियो जरूर चेक करें, एंड उसके अलावा भी बहुत सारे जॉब्स अपडेट है, सो आप लोग जरूर चेक करें। सो मैं कैपजोनी की बात करूँ, कैपजोनी ने यहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाल दिया है। 2 जॉब रोल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड टेस्ट इंजीनियर के लिए। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है 2019 एंड 2020 बैच के लिए। जो यहाँ पे जो बैचेस रिलीजबल है वो 2019 एंड 2020। मैं ब्रांच की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग कंप्यूटर साइंस से अगर आपने बी बीटेक किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आपने बी बीटेक किया आप अप्लाई कर सकते हो। ECE लाइक आपने किसी भी सर्किट लाइक ब्रांच से अगर आपने बी बीटेक किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। सो मैं आपकी परसेंटेज की बात करूँ तो 60% थ्रू आउट 10th to बी बीटेक आपका होना चाहिए। सो 10th 12th में एंड बी बीटेक में भी आपका 60% होना चाहिए। सो इसकी जो जॉब लोकेशन है वो बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, गुड़गांव, कोयम्बटोर, पुणे एंड नोएडा। सो इवन जितने भी मेट्रो सिटी है अपने इंडिया के, लाइक साउथ के एंड दिल्ली के एंड महाराष्ट्र में भी, सो आप वहाँ ये इसकी जॉब लोकेशन है, आपको कोई भी जॉब लोकेशन आपको मिल सकती है अभी। एंड बट अभी आपका वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। उससे पहले मैं बात करूँ कि यहाँ पे आपकी जो किस किस टेक्नोलॉजी पे आपको वर्क करना है, कौन कौन से लैंग्वेज पे आप वर्क करोगे। सो यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो क्लाउड में आपका वर्क करना है, AI से रिलेटेड आपका वर्क होने वाला है, यहाँ पे 4G 5G से रिलेटेड वर्क होने वाला है, IoT से रिलेटेड वर्क होने वाला है, एंड एज ए डेवलपर आप फुल स्टैक डेवलपर काम करोगे। डेटा एनालिस्ट की आपको जॉब मिल सकती है, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो C++, Java.NET पे आपको वर्क करना होगा। एंड जब मैं फ्रंट एंड की बात करूँ तो JS नोड वगैरह पे आपको वर्क करने को मिल सकती है, एंड बहुत सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सो मैं डोमेन की यहाँ पे बात करूँ तो इंटरप्राइजेस, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, मेडिकल एंड लाइफ साइंस में आपको जॉब मिल सकती है उस डोमेन में। मैं भी आपको सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जॉब मिल सकती है, जो सर्किट ब्रांच के स्टूडेंटेड होंगे। एरोस्पेस से रिलेटेड आपको जॉब मिल सकती है। बट जो आपका जॉब पोजिशन है, लाइक जो आपका डिजाइनेशन होगा वो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा या फिर एज ए टेस्ट इंजीनियर होगा। सो दो यहाँ पे जॉब डिजाइनेशन है, बट आपको डोमेन ये सब मिलेंगे, एंड आपको किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करना है या फिर किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क करना है वो यहाँ पे मेंशन है। सो यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्कस किया है कैपजिनी ने, आई होप आप लोग समझेंगे, आप लोग को मैं लाइक समझा पाया होगा। एंड इसकी जो सबसे बड़ी मैं बात बताऊँ कि इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 23rd मई तक ही है। सो प्लीज़ आप लोग एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें, आप लोग आज ही अप्लाई करें, कल से पहले अप्लाई करें, क्योंकि कल ही 23rd मई है। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को जो भी एलिजिबल है इस जॉब के लिए। एंड मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि 2 दिन लेट हो गए आपके पास अपडेट देने में, क्योंकि ये 20th मई को ही ओपन हो गई थी रजिस्ट्रेशन, बट आज मुझे लाइक मैं वीडियो अपडेट कर पाया। सो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करें इस वीडियो को, एंड जितने भी लोग एलिजिबल है सो सब लोग अप्लाई करें। एंड मैं आपको बता दूँ कि इसकी अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पर क्लिक करना है, एंड क्लिक जब करोगे तो आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा, एंड ईमेल एड्रेस जब आप अपना मेंशन करते हो तो आपका ये पेज खुलेगा, ओपन होगा। सो इस पेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका इंटर सीक्रेट कोड डालना है कैपजिनी इंजीनियरिंग के लिए, जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कोड। सो आप इस कोड को मेंशन कर सकते हो। देन मैं बता दूँ कि वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, आपके ऊपर है आपको करना है या नहीं करना है। सो मैं आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की मैं बात करूँ, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम होगा, सो फर्स्ट नेम देना है, जेंडर देना है, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सो ये सब आपको देना है, ईमेल एड्रेस। सो ये बेसिक डिटेल्स है, आपको एड्रेस फिल करना है जो कि बेसिक डिटेल्स है, एडुकेशन डिटेल्स आपको फिल करना है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कहीं ट्रेनिंग किया है तो आप ट्रेनिंग जरूर मेंशन करें, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है ट्रेनिंग डिटेल्स देना। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हो,
बट यहाँ कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप 2019 बैच के हो और कैपजनी में जाना चाह रहे हो तो आप यहाँ एक्सपीरियंस दे सकते हो अगर आप अपने अभी तक कहीं जॉब किया है। बट अगर आप फ्रेशर हो 2019 बैच या 2020 बैच तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। एंड मैं आपको बता दूं कि आपके जो जॉब होने वाले हैं वो किस लोकेशन पे आप जाओगे, आप अपना प्रेफरेंस लोकेशन दे सकते हो। एंड एंड ये भी आपसे पूछा गया है कि आप रिलोकेट कर सकते हो या नहीं। अगर आपने चेन्नई के लिए जॉब अभी डाल दिया लेकिन आपको हैदराबाद अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो कि नहीं, तो वो इन्होंने पूछा है। एंड आप एग्रीमेंट सर्विस बॉन्ड जो है यहाँ 2 ईयर्स की होती है उसके लिए आप रेडी हो या नहीं, ये सब आप पूछ सकते हो, भर सकते हो। एंड यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स की बात हो रही है, मैं ये जरूर बोलूंगा कि टेक्निकल स्किल्स जो इन्होंने मेंशन किया है वो जरूर आप दें। यहाँ पे जो जो टेक्निकल स्किल्स है, क्लाउड AI, 4G, 5G, IoT, फुल स्टैक, C++, जावा, डेटा एनालिस, नोड JS, इसमें से आप 3 तो 4 जरूर दे। आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है C++, जावा में से किसी एक को जरूर दे। एंड क्लाउड AI, फुल स्टैक, IoT में से किसी एक दो को आप जरूर दे। जितने भी यहाँ पे मेंशन है उसमें से 3-4 अगर आप मेंशन करते हो यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स में, एंड वो 3-4 दो उसके अलावा भी अगर आपको आती है वो भी मेंशन करो, तो आपकी यहाँ पे फर्स्ट ये लोग स्क्रीनिंग करते हैं, तो आपका यहाँ पे मैक्सिमम चांस हो जाता है कि आपको असेसमेंट टेस्ट की लिंक आएगी। फिर आपको रिज्यूम अपलोड करना है, इजी अप्लाई है, आप इसको अप्लाई करें एज सुन एज पॉसिबल क्योंकि कल ही इसकी लास्ट डेट है। एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, एंड आपको अगर चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।